ब्रॉडवे विदेश जाने के सुपनों को देगा हकीकत की उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो कोशिश होंगी है लगातार इस चैनल के जरिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स थोड़े ना शेयर किए जा कि एक बेहतर तो स्ट्रोंग डिसीजन तुम अपनी लाइफ के लिए बना सको। सो अज की जी गलबात रहेगी वह रहेगी सैप्टेंबर की जिड़िया फाइल्स अंडर प्रोसैस ने और बच्चों के जेडे बायोमैट्रिक्स ने वो लेट हो रहे हैं। सो आने वाले दिनों जोड़ा रिजल्ट का सिनारीओ शुरू होया, शुरू जरूर हो गया। सो कि शुरू होया और किदा का यदा प्रभाव पै सकता है, किन्नी एक्सटेंशन की लोड़ पै सकती है। सो इन सारे मुद्दों के उत्ते अज की गलबात रहेगी, किहड़े बच्चों नूं डेफर करना पै सकता है, किहड़े अपने रिजल्ट नूं ऑन टाइम एक्सपैक्ट कर सकते हैं। सो चैनल दे नाल जुड़े रहो और इनूं सबसक्राइब जरूर करके रखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। सो कौन से बच्चे जिनका रिजल्ट जो है वो विद इन सेप्टेंबर हम एक्सपैक्ट कर सकते हैं? तो मोस्ट लाइकली कल से वीजास या PPRs या रिजल्ट आने शुरू हुए, ज़्यादातर कल रिफ्यूज़ल देखने को मिली। ऐसा हमेशा होता है, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। जब भी PPR का ट्रेंड शुरू होता है तो पहले रिफ्यूज़ल्स के रिजल्ट ज़्यादा IRCC की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन साथ में PPRs भी बच्चों के आए हैं। अभी तक इनमें से कोई भी PPR क्यूबेक का नहीं आया ज़्यादा बड़े अकाउंट में। एक लेटर था, एक स्क्रीनशॉट था जो मेरे साथ कनाडा कॉलेज ने शेयर किया था, तो उनका मैंने लेटर अभी उनसे नहीं लिया PPR का। आई ट्राई टू गेट इट बिकॉज दैट वाज नॉट माय स्टूडेंट। और जितने भी रिजल्ट आए वो नॉन क्यूबिक थे, मतलब उन 10 कॉलेजेस के नहीं थे। अब आने वाले जो दिन है, अगर यही स्पीड इनकी रहती है, अभी मैं स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते, जस्ट मैं रफली कह रहा हूँ कि अगर ये रेगुलर स्पीड अपनी मेंटेन करते हैं जो पिछले दिनों भी एवरेज रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिन बच्चों के बायोमेट्रिक्स अप्रॉक्सीमेटली 15th of July से पहले हो जाएंगे, वो बच्चे सेप्टेम्बर में अपना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिनके बायोमेट्रिक्स लेट हो रहे हैं जुलाई में या अगस्त में, तो उनके डेफिनेटली डेफमेंट करने के चांसेस ज़्यादा होंगे या उनको ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेगी। बिकॉज एक नया अपडेट भी इसके बीच में कल आ गया था कि आज से 26th of जून से बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए दोबारा बंद कर दी गई हैं VFS की तरफ से, और जिन बच्चों ने अभी तक अपने अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट बुक कर लिए हैं उनको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। सो इनमें से ऑलरेडी जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो अगस्त 10 के आसपास की मिल रही हैं प्रेजेंटली। सो जिनकी अभी नहीं आई है उनकी और लेट होने की आशंका है, और उतनी जल्दी हम रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करें तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। सो जिन बच्चों के बायोमेट्रिक्स लेट हो रहे हैं 10 जुलाई या 15 जुलाई के बाद हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अपने कॉलेजेस के साथ अपनी रिफंड पॉलिसीज को चेक कर लें। चेक करके वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमें रिजल्ट का इंतज़ार करना है, हमें ऑनलाइन क्लासेस लगानी है या नहीं लगानी है। और अगर रिफंड पॉलिसी आपके फेवर में नहीं है तो फिर आप उनसे नए LOA की डिमांड कर सकते हो। LOA लेके रख लो, अभी अपडेट मत करना, क्योंकि अभी थोड़े दिन देखो कैसे IRCC काम करती है, कितने रिजल्ट आने वाले दिनों में डिलीवर करती है। अगर ज़्यादा रिजल्ट आने लगते हैं तो हो सकता है ये जो आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ इट इज़ जस्ट अ गेस वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे, तो ये गेस वर्क ऊपर नीचे भी हो सकता है, और हो सकता है कि आप इंतज़ार कर लें और आपको शायद रिजल्ट ऑन टाइम मिल जाए। तो ये एक कन्फ्यूजन जो लगातार बच्चों में बनी हुई थी, जब भी मैं लाइव सेशन कर रहा था तो बच्चों के एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। दैट इज़ अ रीज़न आई ट्राई टू आंसर इट कि जिनकी फाइल्स पहले लगी हैं वो अपने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकेंगे सितंबर तक 15 मई से पहले। जिनके उसके बाद क्योंकि फाइल्स लग नहीं पाई कंप्लीट बायोमेट्रिक या मेडिकल्स के कारण, तो मैं बायोमेट्रिक्स जो हैं अब वो जो 15 जुलाई तक हो जाएंगे उनका मैं इसलिए सोचता हूँ कि उनका 2 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम बचेगा। मतलब 15 सितंबर तक भी अगर उनका रिजल्ट का 2 मंथ होते हैं तो 2 मंथ के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट कल देखने को मिले थे जिनकी फाइल्स जो थी रीसेंट सबमिट हुई थी कंप्लीशन के बाद, और कुछ फाइल्स पहले की लगी थी और बायोमेट्रिक किसी के 2 दिन पहले हुए थे और उसे रिजल्ट आ गया। तो ये एक चीज़ श्योर थी कि आपके बायोमेट्रिक के बिना भी आपकी फाइल के ऊपर काम चल रहा है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो बायोमेट्रिक्स 15 जुलाई से पहले पहले हो जाएंगे मोस्ट लाइकली उनके रिजल्ट हम ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकेंगे, लेकिन जो लेट बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन अ फाइल टू फाइल चीज़ें ऊपर नीचे रहेंगी। सो अपनी रिफंड पॉलिसीज ऑनलाइन क्लासेस को लेके लगाने का डिसीजन वो अपना सोच लें, मन बना लें, और अपनी LOA जिन बच्चों को ज़रूरत है वो भी टाइम से 1st या 2nd week of July से अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि आपको किसी तरह का हैसल
ना हो, किसी तरह की परेशानी ऑन स्पॉट ना हो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे भी इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे साथ के साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।